इतनी फिल्म का कह दे कोई। नहीं अब तो डायलॉग नहीं बनता ना अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। मौलिया एना नू दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका जाने वो कैसे मिले सात गाये मिलके हम मिले तो जब कलियां। अच्छा यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हुई हैं अगर वो आर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर है कि ये नहीं ये कर लो तो उनसे क्या कहेंगी आप? वो कोई ऐसी स्पीच है तैयार, कोई डायलॉग है जो आप माँ बाप को कह सकें और वो कहें कि जी जाओ बेटा जी लो जिंदगी? क्या मैं उस तरफ देखती हूँ और वो लोग सब मुझसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सारे 8,000 लोग मुझसे कुछ ना कुछ बोल। आप मुझे देखे ना, मैं सिर्फ आपको देखती हूँ। चले जी, तो आर्ट्स में आने के लिए अगर स्पेशली लड़कियां आना चाहें तो वो अपने पेरेंट्स को कौन सा डायलॉग बोले कि वो कन्विंस हो जाएं? देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा डायलॉग ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कोई भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो शादी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से ख़राब हुआ, ये मेरी गलती है, ये मेरे सर पे। जब किसी और की वजह से होता है, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, फिर देन देयर इज़ अ ब्लेम गेम, यू नो। सो और फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं खुद लेना चाहते, आप कहते हैं नहीं मेरी माँ ने ये किया था या मेरे बाप ने ये किया था। ऑल माई डिसीजंस मोस्ट ऑफ देम, मेरे सारी चॉइसेस जो थी वो मेरी अपनी थी मोस्ट ऑफ देम। तो कोई प्लान बी रखा था आपने कि इन केस एक्टिंग डजंट वर्क आउट, इन केस ये ख्वाब ना पूरा हो तो मैं ये कर लूंगी? इन माई लाइफ अप अंटिल नाउ ये जरूरी है कि प्लान बी होना चाहिए, मुझे लगता है ये जरूरी है, लेकिन मेरा कभी प्लान बी रहा ही नहीं, यही था Do or die. I'm like that also. आपको लगा इन्हें कुछ अचीव कर लिया है अपना ख्वाब थोड़ा बहुत? आपको लग रहा है मायरा खान ने कुछ अचीव कर लिया अपने लिए, हमारे लिए? अच्छा हम डे वन की बात कर रहे हैं, तो डे वन पे जब मैंने इन्हें देखा था, एक अवार्ड शो था जहां ये आई थिंक एज ए वीजे थी, और मैंने कहा मुझे इनके साथ काम तो करना है, इतनी फुल ऑफ लाइफ, इतनी हाई एनर्जी लोग होते नहीं हैं। एंड अ फ्यू इयर्स लेटर आई फाउंड अ वे, मैंने इनको चोरी करने की कोशिश की किसी और चैनल से। आई हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हर फॉर 4-5 years। वो हमारे भी म्यूजिक और वीजे वाले जमाने थे। अच्छा एक्टिंग करियर, डे वन ऑफ एक्टिंग करियर, बट यू नो कैन आई से समथिंग? ऑफ कोर्स। आई एम नॉट श्योर के what it was about those awards. I think aap wo Bhulban ke awards ke bare mein baat, MTV awards, oh even before that, oh wow memory. Wow very good, my memory is horrible lekin Allah. So but so many people have come to me and said we remember you from those awards. Yeah, for some reason. But you're talking about MTV. Yep. No, you're talking about MTV launch event. Oh, you're talking about MTV launch event. Okay, fine. Oh, wow. Long time. My memory is very good. Creepy had tak. You were wearing white. Can I tell you the reason why I love you for a lot of reasons? One of them is that you've known me for so long. क्या चाहते हैं आप लोग बताएं मुझे? मैं क्या गाना गवाऊं महिरा से, शायरी करवाऊं? देखिए फोटो तो आप सबके साथ अभी नहीं खिंचवा सकती हूं। चले ये प्यार है ये लोगों का, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना प्यार आपके लिए, तो ठीक है। बीच में मैं आप लोगों से भी बात करता रहूंगा।
इनको हाथ हिला दें खुश हो जाए। माया का फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। अच्छा मैं हिंट दूं, मायरा का एक गाना किसी को याद है जो है होना था प्यार, गाए ओके जी, तो गाना यही है कि गाना I like old school songs, होना था प्यार, प्यार की तो क्या ही बात है, लेकिन you know I like जाने वो कैसे, मिले साथ गाए मिलके हम मिले तो जब कलियां मांगी, सो या बड़े मेरे फेवरेट शायर हैं, एक तो साहिर लुधियानवी साहब और मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा। मेरे आगे इसलिए पे था कि कोई शेर सुनाए, अभी सुना दे साहिर साहब का। नहीं ओके, फेवरेट स्मेल, स्मेल फेमस स्मेल, खुशबू, फेमस नहीं फेवरेट, फेवरेट फेमस स्मेल मी, फेवरेट मुझे जैस्मिन, मुझे मोतिया की खुशबू बहुत अच्छी। अच्छा हमारा सेगमेंट शायद एंड हो रहा है, वहां से कुछ इशारा आया, कौन सी ड्रीम रह गई है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, के ये करना है, कौन सा ख्वाब रह गया, कौन सी ड्रीम रह गई है, बहुत सारे ख्वाब रह गए, आई डोंट नो, कहते हैं अपने ख्वाब बताने नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़े जोर जोर से अपने ख्वाब बताए थे, वो पूरे हो गए आज तक, तो इस वक्त मुझे नहीं पता इसको ख्वाब कहेंगे या नहीं, इस वक्त मेरा दिल है और मेरी दुआ है कि मेरे अम्मा अब्बा दोनों सेहतमंद हो, सब आप मेरी अम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जिनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है, और मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा, आमीन, सबके अम्मा अब्बा सही रहे सलामत। मेरे लिए अपना ख्वाब, आई थिंक आई वुड लाइक टू डायरेक्ट, I would like to direct a film or a series. I'd like to write. I'd like to one day, inshallah, become an actor. जिस पे एक भी बंदा ये ना कह सके कि इसको नहीं आता अपना काम। माशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके साथ हम इजाजत आएं चाहेंगे। आप प्लीज अपना जाते जाते माहिरा खान को अपना प्यार शो करें। एक मिनट। डायलॉग मुझे बोलना है इनके लिए। ओके। इतने लंबे लंबे डाल, वाह 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 वाह, आप अपनी फिल्म का कह दे कोई, नहीं अब तो डायलॉग नहीं बनता ना अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी ये तो बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन मैं कौन सा बोलूं, अच्छा बोल नहीं डालोगे, एक जुमला बोल दो, रे मौलिया एननु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर का, प्लीज गिव अ वेलकम फॉर द सुपरस्टार मायरा खान।